के तपते हुए खून को लहू को एक ओजस्वी तेजस्वी शक्ति से प्रणिपरोत करे, ताकि वो वीर जो हमारे साथ ये साथी आए हैं उनको भी ये पता चले कि हमारे जो नागरिक हैं वो भी प्रतिबद्ध हैं, उनके साथ एक संलग्न है, एक मान्यता से जुड़े हुए। जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद वो बिगी बिल्ली बना हुआ है। जो कोरोना है उसका चाइना को पिताजी कह सकते हैं हम अपने देसी भाषा में। हम बार बार यही कहते हैं कि चाइना से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। आदमी हर चीज़ बदल सकता है लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता। हम दर्शन दिखा सकते हैं चाइनीज सामान का बहिष्कार करके, हम अपने देश के सैनिकों को मजबूत कर सकते हैं और उनकी जो रीढ़ की हड्डी। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमित अमन। आज आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से कोसली के अंदर लोग बहिष्कार कर रहे थे, अगर मैं कहूं कि सनातन रक्षा दल बहिष्कार कर रहा था चाइनीज सामान का चाइना का, तो उसी तर्ज पर अब बहिष्कार करते करते जो शहीद स्मारक है कोसली के अंदर वहां ये लोग पहुंचे हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके दिल के अंदर क्या है, और जो दो दिन पहले जो घटना हुई है उसको आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो चाइना ने आघात किया है, और वो आघात छुप के किया है या हम उसको धोखा भी कह सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने किया है। लेकिन अब भारत के जो लोग हैं जो चाइनीज सामान का बहिष्कार यहाँ पे करना चाहते हैं और साथ साथ चाइना का भी बहिष्कार हो, ये इन्होंने लिखा है। इनकी सबसे पहले मैं आपको लाइन बता देता हूँ क्या इन्होंने लिखा है। इनका जो दल है वो है सनातन रक्षा दल, और इसके ऊपर लिखा हुआ है भारत माता की जय, शहीदों को कोटि कोटि नमन, करना है हमें चाइना का दमन। नीचे इन्होंने बड़े अक्षरों में लिखा है चाइना चाइनीज का पूर्ण बहिष्कार, अपनी संस्कृति की पहचान करो, वीर सनातनी खुद पर अभिमान करो। अब हम इनसे जानना चाहेंगे, सर आप ये बताएं जो आज आपने मार्च निकाला है इसका क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न यही है कि सनातन रक्षा दल के बैनर के तले सभी प्रबल युवा साथी कोसली से रेवाड़ी से, चीन ने जो क्रूर दुर्घटना की है भारतीय सेनाओं के साथ, और इससे पहले भी कोरोना महामारी के ऊपर भी चीन अहम रहा है, सनातन रक्षा दल चाइनीज सामान और चाइना की हर चीज़ से और चाइना देश से भी पूर्णतः बहिष्कार करने का समर्थन करता है, और सरकार से भी इस चीज़ की उम्मीद करता है। सनातन रक्षा दल और सभी युवा साथी अभी कोसली मार्केट के अंदर सभी मार्केट को जागरूक करके आए हैं। सनातन रक्षा दल अपने बैनर तले सभी चाइनीज बहुत से सामान, बहुत से मोबाइल्स कंपनियां, और सरकार ने अपने बहुत से टेंडर भी दिए हुए हैं चाइनीज़ कंपनियों को, उनका भी बहिष्कार करता है। सनातन रक्षा दल कोसली के युवा साथियों के साथ, रेवाड़ी के युवा साथियों के साथ, सभी के साथ मिलके पूर्णतः रूप से चाइना देश का बहिष्कार करता है और भारतीय सेना के साथ खड़ा है। भारतीय सेना को इन युवाओं को जब भी ज़रूरत रही इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा तादाद मात्रा में यहाँ से युवा साथी निकल कर गए हैं और अभी भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कोसली, महेंद्रगढ़ और नारनौल यह क्षेत्र सेना के अंदर अहम भूमिका निभाता है, और जिस तरीके से चाइना भारत के ऊपर छल कपट के दौरान कार्य करता है, हम बार बार यही कहते हैं कि चाइना से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। आदमी हर चीज़ बदल सकता है लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता। हमने पाकिस्तान, चाइना और नेपाल, ये इन तीनों देशों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन है, हमने इनसे बहुत ही सहज और सरल भाव से अपनी रणनीति बना के या युद्ध क्षेत्र करके जो भी सरकार या सेना अपनी कार्य प्रणाली बनाएगी उसके साथ हम हैं, और चाइना का पूर्ण रूप से हम बहिष्कार करते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं उनसे भी हम जानेंगे। सर आप लोग नारा लगा रहे थे चाइना गद्दार है पाकिस्तान का यार है, इस नारे के पीछे का जो कारण है या इस नारे के जो अंदर छुपा हुआ है वो क्या है जो आप लोगों के बाहर आना चाहते? क्योंकि जो काफ़ी टाइम से जो चाइना है वो इकोनॉमिकल सपोर्ट करता आया है पाकिस्तान को,
तो इकोनॉमिकल सपोर्ट को अगर रोकना है पाकिस्तान की को तो हमें चाइनीज सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा। और जो हमारे सनातन रक्षा दल के सदस्यों ने जो आज कार्य किया है, लोगों को जागरूक करने का बहुत अच्छा काम किया है। और मेरी भी लोगों से अपील है कि वो चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, क्योंकि आज जो हमारा काम है वो देशभक्ति दिखाने का काम है। देशभक्ति हम बॉर्डर पे जाके नहीं दिखा सकते, देशभक्ति हम घर से भी दिखा सकते हैं। चाइनीज सामान का बहिष्कार करके हम अपने देश के सैनिकों को मजबूत कर सकते हैं और उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको ख़राब कर सकते हैं। सर आप ये बताएं, जो जिस तरीके से चाइना ने पीठ पर वार किया है भारत की, इसको कैसे सबक सिखाना चाहिए? चाइना ने जो घृणित कृत्य किया है, हमारे कुछ जवान जो वहाँ पे चौकी पोस्ट पे गए हुए थे चेकिंग के लिए, उनको काफ़ी तादाद में चीनी सैनिकों ने घेर के धोखे से वार करके उनको शहीद किया है। तो इसके लिए चीन की जितनी घृणा और जितनी उनको उसको गाली या जितना भी उसको बुरा कहा जाए वो भी कम है। किसी धोखे से वार करना बहुत ही गलत काम किया है। अगर उसमें दम है तो सामने से वार करें। अभी जब जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दी है, उसके बाद वो भीगी बिल्ली बना हुआ है। और चाइना प्रोडक्ट का जहाँ तक बहिष्कार का बात है, सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं, हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी, भारत सरकार है, उससे भी आग्रह करते हैं कि वहाँ पे भी सेंट्रल लेवल पे भी चाइनीज सामान का प्रोडक्ट का आयात निर्यात बिल्कुल बंद कर दिया जाए। क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो मार्केट है, उसमें काफ़ी 50% आप मान के चलो चाइनीज प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं। तो जब तक सेंटर से भी इन चीज़ों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं होगा, नीचे बेस पे भी कुछ काम नहीं होगा। बाकी हमने अपने लेवल पे पूरी कोसली मार्केट में एक जागृति अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया और अपने जो हमारे शहीद भाई हुए हैं उनके श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं यहाँ पे। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि सर आप ये बताएं कि सेना को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक छोटे कदम हो सकते हैं आपके कि आप उनकी अर्थव्यवस्था को डगमगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट घुसे हुए हैं, एकदम से इनको निकालना भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी भारत सेना की तरफ से क्या कदम उठा सकता है और भारत के प्रधानमंत्री क्या कदम उठा सकते हैं? सेना को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि जो उन्होंने एक बहुत छोटी तुच्छ हरकत की है उसका जवाब वार का वार से देना चाहिए मेरे हिसाब से, जी, ताकि उनको आगे सकल लगे। सिर्फ भाषणबाजी या मीटिंग से ही नहीं, उसको जवाब है उसकी भाषा में समझाना। जिस तरह प्रकार से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करके समझाया था, उसी भाषा में इसको जवाब देना चाहिए। कोरोना के बारे में क्या समझते हैं? कोरोना क्या इसकी चाइना की देन है? क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर हम देख पा रहे हैं कि चाइना का बहिष्कार कोरोना को लेकर भी हो रहा है और जगह जगह पोस्टर भी दिखाई देते हैं कि चाइना ही इसका जनक है और जानबूझ के चाइना ने फैलाया, तो आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही है, चाइना जो कोरोना है उसका चाइना को पिताजी कह सकते हैं हम अपने देसी भाषा में, क्योंकि इसका जनक यही है। और एक वायरस को जो इन्होंने अपने लैब में बनाने का प्रयास किया था और वहाँ से लीक होकर आज पूरे विश्व को आर्थिक मंदी और बीमारी, इतनी मौतों की जिम्मेदार चाइना है, जिसका उसको भुगतान भी करना चाहिए, इसके ऊपर केस भी हो रखा है और भारत सरकार को भी इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोला है और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताएं, जो चाइना की हरकतें हैं इनके खिलाफ भारत क्या कर सकता है? सबसे पहले तो मैं धर्म ध्वज रक्षक सनातनी वीरों को प्रणाम करता हूँ, साथ साथ शहीद वीरों को प्रणाम करता हूँ। और मैं अपने शब्दों में वो वाणी लाना चाहता हूँ जो वीरों को सम्मान दे, प्यार दे और उनके तपते हुए खून को, लहू को एक ओजस्वी तेजस्वी शक्ति से परिणीपरोत करे, ताकि वो वीर जो हमारे साथ ये साथी आए हैं उनको भी ये पता चले कि हमारे जो नागरिक हैं वो भी प्रतिबद्ध हैं, उनके साथ एक संलग्न है, एक मान्यता से जुड़े हुए हैं। और हम पूर्णतया से पूर्ण रूप से चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं। अगर किसी दुश्मन को मारना हो तो अंदर की चोट मारो, अगर किसी दुश्मन को मारना हो तो अंदर की चोट मारो और जागना है तो सनातनी को जगाओ। सर ये बताएं कि जो भारत की सरकार है उसको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिसको कि जिन कदमों से चाइना पीछे हटे या फिर उसको एक ऐसी क्षति पहुंचाई जाए कि आगे से वो ऐसे कदम उठाने का प्रयास ना करे? सबसे पहले तो सरकार से यही है कि पूर्ण रूप से बहिष्कार करे सामान का, एक भी सामान जो है उसको खंडित किया जाए, नष्ट किया जाए, जला दिया जाए। दूसरी बात, वहाँ से आवागमन बंद कर दिया जाए, खरीद फरोख्त जो होती है वो बिल्कुल बंद कर दी जाए और अपने सैनिकों को प्रबल रूप से इतने अपने अस्त्र शस्त्र बल को इतना प्रबल किया जाए कि जिस तरफ से भी जो भी घुसपैठिया होता है उसको निश्चय नाबूद किया जाए। क्या चाइना तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे? जी नहीं,
तीसरे विश्व युद्ध को न्योता नहीं दे रहा है, ये अपने स्वयं के काल को न्योता दे रहा है, ये पक्की बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने बयान दिए हैं उन सभी में आपने देखा कि किस तरीके से एक आक्रोश भरा हुआ है। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताएं आप क्या चाहते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि आप भी इस देश के युवाओं में आते हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि सरकार चाइना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जितने भी अपने शहीद जवान हुए हैं उनका बदला जल्द से जल्द ले। और मैं सभी जवानों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन सभी का यही कहना कि शहीदों को प्रणाम सबसे पहले लोग करें, लेकिन उसके साथ साथ चाइना के साथ जो होना चाहिए वो इनके जुबान पर है और इन्होंने उसको बयां भी किया है। इन्होंने बोला है कि चाइनीज सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए, उसके साथ साथ अगर हमारा जो देश है वो चाइना को सबक सिखाए, सेना के तौर पे भी सबक सिखाए, और अगर दूसरे तरीके से सबक सिखाना चाहते हैं तो वैसे भी सिखाए। चाइनीज जो सामान है उसको सरकार बंद कर दे, उसका आयात निर्यात बिल्कुल ही भारत के अंदर से बंद हो जाना चाहिए, ताकि उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी ख़राब किया जाए, और साथ साथ उसको एक ऐसे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी उनको ध्वस्त करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में चाइना ऐसी हरकतें करने की हिमाकत अपने अंदर पैदा ना कर सके। ये इन सब लोगों का मानना है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख पाए हैं चाइना ने कैसे पीठ पे वार किया है और उसके बाद में भारत ने भी उसको मुंह तोड़ जवाब ज़रूर दिया है, लेकिन अब फिर से जो सेनाएं हैं वो आमने सामने हैं। इधर से सेना को छूट भी मिल चुकी है कि वो अपनी कार्रवाई पूर्ण तरीके से कर सकती है, जहां तक कि प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि चाइना जिस तरीके से वार कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हम चाइना को बख्शेंगे नहीं। तो लोग भी जो भारत के लोग हैं उनका विश्वास है कि ऐसा ही आने वाले समय में होगा, लेकिन हम सब लोगों की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि चाइनीज जो आप लोगों ने अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं उनको अनइंस्टॉल करें, साथ साथ चाइनीज सामान का बहिष्कार आज से ही आप शुरू कर दें, और पूरे देश के अंदर ये एक मुहिम चलनी चाहिए जिससे कि चाइनीज सामान का, चाइना का और पाकिस्तान का सभी का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए, ताकि हमारा देश आने वाले समय में इन छद्म भेसी जो देश हैं इन लोगों से बचा रहे और अपना विकास पूर्ण तरीके से कर पाए। क्योंकि छोटी छोटी हरकतें ये बॉर्डर पे करके भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें इन सभी कदमों को उठाना होगा और साथ साथ जो सरकार है उसको कड़े कदम लेने होंगे। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।